हमारा 2 दिन का पांडिचेरी ट्रिप आज ख़त्म हो गया है और हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से हम स्कूटी सबमिट करके और फिर स्टेशन चले जाएंगे। इस 2 दिन के पांडिचेरी ट्रिप को हमने सोचा है कि इसे एक रिव्यू दिया जाए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने से। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दोस्त सब एक एक करके आ रहे हैं। ये रानी, तो सबसे पहले देखो मैं बताऊँगा ओवरऑल रेटिंग इसको कितनी देनी है। आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से ये 4 बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, पूरा केची साउथ इंडिया का मोस्ट पार्ट। सो एज कम्पेयर टू दोज प्लेसेस आई विल गिव 4 out of 10 ओवरऑल। एंड फॉर साइट सीइंग, यस बीचेस आर गुड बट नॉट बेटर देन दोज इन एलएपी एंड इन कोची। सो अगेन फॉर साइट सीइंग इट वुड बी 6 एंड देन होटल वेरी बैड, इवन 1 point इज मोर देन दैट। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन अमेजिंग, वी बुक ए स्कूटी, इट वॉज एफोर्डेबल एज वेल एज कॉम्पैक्ट। Now we'll come to our other friends. My next friend will let you know about his view about this place. चल करना चढ़ना ठीक है। इतना वाहियात शहर है क्या बताऊँ, बस शाम के टाइम ही अच्छा लग रहा है, दिन में चूतिया कटता है यहाँ पर, हकीकत में इतना पसीना आता है। इससे बढ़िया तो केरला है भाई, अलप्पे बीच 10 में से मैं दूंगा इसको साला आधा रेटिंग, आधा भी ना दूँ कम भी ना दूँ, क्या दूर से यार, क्या शहर है एक नंबर का, कुछ वही ना घूमने लायक। हटा हटा इसे बिल्कुल हटा। बस रॉक बीच पे हूँ, सो मतलब ओवरऑल तो नहीं कह सकता ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप भी केरला के बीच से कंपेयर करूँ तो उसके कंपेयर में ये इतना भी अच्छा नहीं है, तो मतलब एवरेज ऑन एवरेज दे सकते हैं रेटिंग। जो भी था लेकिन मतलब इट वॉज नॉट गुड ब्रो, सो उसका भी रेटिंग मैं 10 में वो ही दूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फूड वाइज आउट ऑफ 10 आई विल गिव 5 एंड रूम इज ऑल्सो गुड। Pondicherry is a very good place and Pondicherry is a very good place and I expected about like it's 50% and ended up having it as more than 100%. It's really good and the place is so far I visited and yeah, early morning sunrise, that was a good one. And all together it's, and the chai which I had like almost 3-4 times a day, even though it's hot here, it may kept me alive in some way, but yeah, it's good. All together, food and all, it's good. Had fun for the weekend. Good to enjoy. देखो जैसा कि मैंने सुना था पांडिचेरी के बारे में कि पांडिचेरी बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का समुद्र बहुत ही सुंदर है और ख़ासकर यहाँ के लोग जो कि बहुत ही फ्रेंडली हैं, मतलब लोगों को ट्रीट करने का उनका वे है और जो भी चीज़ है बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ की होटल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, खान पान भी बहुत अच्छा है और स्पेशली चाय यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि पांडिचेरी किस चीज़ के लिए फेमस है, समुद्र के लिए, तो वो वाकई बहुत ही सुंदर है, यही बस कहना चाहूँगा। तो ये था हमारे कुछ 3-4 दोस्तों का रिव्यू पांडिचेरी के बारे में, सबका इंडिपेंडेंट था और अपना अपना था, मुझे तो एवरेज लगा। और हमारे दानिश भाई ने तो गाली जो बोला था, वो लड़का दानिश नाम का, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो देखो फिर गाली दे रहा है। और वो लड़की वहाँ बैठी हुई है, नाम क्या है उसको, दीपशिका, उसने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। तो कुल मिला के पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मेरे हिसाब से जितना पैसा खर्च करके हम आ रहे हैं उतने में तो मुन्नार जा सकते हैं और ऊटी जा सकते हैं, कोडाईकनाल जा सकते हैं, वायानाड जा सकते हैं, लेकिन वो सब पहाड़ है। और रही बात समंदर की, तो जहाँ भी आप समंदर में जाएंगे ह्यूमिडिटी इतना रहेगा ही, तो हमारा जो रेटिंग जिन लोगों ने ख़राब दिया है वो पसीने से परेशान थे बेचारे, दिन भर में 4-4 कपड़े बदल रहे थे, तो इसलिए जो है सो अगर अगेन आप पे पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अगर आप ज़्यादा ह्यूमिड प्लेस को आप बियर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप ह्यूमिडिटी को हैंडल कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा,
कि आप आ कैसे सकते हैं। आसान है यहाँ आना, चेन्नई से नियरेस्ट है अराउंड 100 किलोमीटर, तो अगर आप चेन्नई आ सकते हैं, चेन्नई पूरी दुनिया से कनेक्टेड है तो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट पांडिचेरी रेलवे स्टेशन भी है, उसके अलावा एक एयरपोर्ट भी है जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और रहने के लिए आप ओयो से बुक करें, लेकिन आप रिव्यू देख लें। और एक बंदे ने हमारा होटल बुक किया था ओयो से बिना रिव्यू देखे हुए, इतना घटिया होटल था, क्या करे भाई, लड़का दानिश नाम का है, उसी ने किया था बुक, ठीक है। और रही बात खाने पीने की, तो ठीक है, बिरयानी अच्छी नहीं है, बस ऑन एन एवरेज है। तो थैंक यू सो मच, हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, थैंक यू।